नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में क्रिप्टो राठौर में स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे यूनोकॉइन के बारे में। अभी न्यूज़ पता चली है, तो न्यूज़ के बारे में यह दिखाया गया है कि यूनोकॉइन जो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज था जेएफपी के बाद, अभी हाल ही फिलहाल में अपना खुद का बिटकॉइन एटीएम लॉन्च करने वाला है। जैसे कि बिटकॉइन एटीएम इन्होंने लॉन्च कर दिया, उसके बाद आप यहाँ से INR से बिटकॉइन से INR कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बड़ी ईजिली बिटकॉइन यहाँ से खरीद सकते हैं। और इसमें 5 करेंसी दिखाई गई दोस्तों, बिटकॉइन, रिप्पल, ईथरियम, बिटकॉइन कैश और लिटकॉइन। ठीक है, तो ये जो 5 करेंसी दिखाई गई है, यहाँ आप इन करेंसी को बाई कर सकते हैं डायरेक्ट आप अपने INR से। तो काफ़ी हद तक जो स्टेप है यूनोकॉइन का काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि अभी RBI ने 4 अप्रैल से रोक लगा रखी है बिटकॉइन का जो बैन है, जितने भी बैंक हैं उनसे आप नहीं कर सकते। जैसा कि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताना चाहूँ कि बिटकॉइन ATM जो जितने भी कंट्री हैं उनमें हर कंट्री में कितने कितने ATM हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ज़्यादातर अमेरिका में है, 2500 के आसपास ATM है अमेरिका में, और यूक्रेन, मलेशिया और राइट साइड में एक एक ATM है। और इस लिस्ट में क्या है कि इंडिया का नाम भी जुड़ गया है। अभी अगर आप देखना चाहें तो इसमें इंडिया की एक लोकेशन अभी आइडेंटिफाई इन्होंने की है, और वो लोकेशन अभी हिडन है। अभी किसी को पता नहीं है कि यूनोकॉइन का जो ATM है, बिटकॉइन ATM, वो कहाँ पर लगेगा। हो सकता है किसी मेट्रो सिटी में लगे या किसी बड़े सिटी में लगे। तो यूनोकॉइन ने ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया गया है, और यह जो न्यूज़ है वो रूमर्स भी हो सकती है, बनावटी न्यूज़ भी हो सकती है। और जब तक यूनोकॉइन ऑफिशियली अनाउंस ना करे तब तक हम इस न्यूज़ को मानेंगे नहीं। ये यूनोकॉइन का ब्लॉग है जिसके ऊपर सिर्फ यही दिखाया गया है कि बिटकॉइन ATM इन इंडिया में कहाँ कहाँ है। इसमें सिर्फ यही लिख रखा है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बिल्कुल क्लियर है नहीं। बस इस न्यूज़ में यही दिखा रखा है, जो ब्लॉग है यूनोकॉइन का उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे अगर बिटकॉइन के बारे में जो ATM की लोकेशन कहाँ निर्धारित की जाएगी, किस सिटी में की जाएगी, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो वेबसाइट्स हैं जिसमें न्यूज़ में चल रहा है कि रूमर्स यूनोकॉइन इज़ लॉन्चिंग क्रिप्टो ATM इन इंडिया, लेकिन लॉन्च वो कहाँ पर करेगा उसकी जो क्लियर पोजिशन है वो अभी तक पता नहीं है कि कहाँ पर होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो जितने भी जो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर्स हैं, आप इजिली बिटकॉइन को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपने INR से डायरेक्ट ATM के थ्रू। तो काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि जितने यूरोपियन कंट्री हैं और अमेरिकन कंट्री हैं, USA, कनाडा, काफ़ी कंट्री में जो इसका जो प्रचलन है वो काफ़ी हद तक चल रहा है, और जितने भी जो करेंसी का जो लेन देन है वहाँ पे काफ़ी हद तक चल रहा है। और ये जो न्यूज़ है वो यूनोकॉइन की तरफ से लीक नहीं हुई है, तो ऑफिशियली है नहीं है, और रूमर्स भी हो सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में पता चलेगा कि यूनोकॉइन जो ऑफिशियली है इसको लॉन्च कर रहा है कि नहीं। 5 करेंसी है उसमें, बिटकॉइन, रिपल, ईथरियम, बिटकॉइन कैश और लिटकॉइन। अगर यह ऑफिशियली अनाउंस कर देता है तो काफ़ी बड़ा स्टेप होगा दोस्तों, एक प्रकार से रेवोल्यूशन होगा इंडिया में। इस तरह से जो इसके जो कंपटीटर थे जेप पे, ऑलरेडी अपना शट डाउन कर चुका है एक्सचेंज। 28 सितंबर को जेप पे ने जो एक्सचेंज था वो टोटली शट डाउन कर दिया है, और वहाँ जो भी वॉलेट बने हुए वहाँ से आप अपना क्रिप्टो करेंसी निकाल सकते हैं। जो नई ट्रेडिंग है वो जेप पे ने ऑलरेडी बंद कर दिए हैं, जो कि RBI की गाइडलाइन के अनुरूप सारा काम हुआ है। ठीक है, तो इसका जो जेप पे का जो ब्लॉग है वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं कि 28 सितंबर से नया डिपॉजिट और जो ट्रेडिंग है वो जेप पे ने बंद कर दी, क्योंकि जेप पे INR बंद होने से काफ़ी लॉस में चल रहा था। तो इसके बारे में उन्होंने यही डिक्लेयर किया कि कंपनी काफ़ी लॉस में जा रही थी, इसलिए उन्होंने एक्सचेंज को शट डाउन करने का फैसला किया। ठीक है, और जो जितने भी इंटरनेशनली जो ATM चल रहे हैं बिटकॉइन के, उसके बारे में थोड़ा हम डाटा आपको बता रहे हैं। लगभग इंटरनेशनली 3500 बिटकॉइन की ATM इंस्टॉल हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 2500 के आसपास, ठीक है, वो अकेले अमेरिका में, USA और कनाडा में, ठीक है, और अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, ओशियनो और एशिया में सिर्फ 2.2% है। ठीक है दोस्तों, तो ये रेशियो है, एक रफली चार्ट है। अगर जो अमेरिकन कंट्री है इसमें जितने भी कंट्री है उसमें जो टेक्नोलॉजी का है काफ़ी फास्ट डेवलप होता है, वहाँ पे अडॉप्ट भी काफ़ी इजीली हो जाता है, और अपने यहाँ पर आने में काफ़ी टाइम लगता है, जो कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है बिटकॉइन ATM है, बिटकॉइन को रेगुलेशन के बारे में, वो अभी आने वाली है, आई नहीं है। तो हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन अभी ये अगर काम यूनोकॉइन ने स्टेप लिया तो काफ़ी अच्छा स्टेप हो सकता है। तो हम जो भी न्यूज़ है अगर ट्विटर हैंडल पर आप चेक करें तो सिर्फ वहाँ पर भी रूमर्स है, जो भी है ट्विटर हैंडल, जो इतने भी
अकाउंट है वहाँ पर, ऑफिशियली कहीं पर भी नहीं है। ये यूनोकॉइन का ऑफिशियल आप अकाउंट देख रहे हैं, यहाँ पर भी यूनोकॉइन ने अभी तक ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं किया है एटीएम को लेकर के, कि बिटकॉइन का एटीएम इंडिया में कहाँ पर लगेगा और कैसे लगेगा और कब लगेगा। ठीक है, तो हो सकता है ये रूमर्स हो, और अगर ये न्यूज़ अगर सच साबित होती है तो काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन होगा दोस्तों आने वाले टाइम में। आप बड़ी आसानी से बिटकॉइन INR से बाई कर सकेंगे ATM के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी दोस्तों। अगर इस चैनल को आप को लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास अच्छी है तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट कीजिए ATM के बारे में, बिटकॉइन का ATM इंडिया में लगना चाहिए कि नहीं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको करंट इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।